सुधरवा कर वापस घर जा रहे बीजापुर के सराफा कारोबारी में मुंशी का सोने चांदी से भरा बैग बस से चोरी हो गया। मुंशी ने बताया कि वह बस में बैग रखकर बाथरूम करने के लिए चला गया था। उसी दौरान 300 ग्राम सोना और 18 किलो चांदी से भरा बैग गायब हो गया। चोरी हुई ज्वेलरी की कीमत करीब 17 से 18 लाख रुपए आंकी गई है। पीड़ित ने चोरी की शिकायत गंज थाने में दर्ज कराई है। गंज थाना प्रभारी आशीष शुक्ला ने बताया कि ज्वेलर्स के मालिक को बिल लेकर बुलाया गया है और उनके आने के बाद जांच और स्पष्ट हो पाएगी। बस ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक व्यापारी का मैनेजर जो कि बीजापुर से यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों से कुछ सोने चांदी के ऑर्नामेंट लिया और वापिस बस से बीजापुर जा रहा था। बस में बैग को रख के वो नीचे टॉयलेट के लिए गया हुआ, जब वापस आया तो देखते उसके बैग वहां से गायब है। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। इस पर से थाना गंज में अपराध पंजीबद्ध कर विचरण में लिया गया है।